आप लोगों ने नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में सुना होगा और आपको मालूम होगा कि 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो उस समय हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे, अगर आप लोगों ने अपनी पुरानी परीक्षाओं के जो भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हें देखा होगा, उनका मूल्यांकन किया होगा, कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। फिर चाहे आपका राष्ट्रीय महिला दिवस हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या फिर आप देखें नारी शक्ति पुरस्कार हो, और आप देखिए कि महिलाओं के सम्मान के लिए एक तरह से आप सभी जानते हैं, कहते भी हैं आप लोग कि एक रथ के दो पहिए होते हैं, फिर चाहे महिला हो पुरुष हो तो उनकी भी बराबरी भागीदारी होनी चाहिए। और संविधान का भाग 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार, सबके लिए समान अधिकार दिए गए हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। अगर इससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आसानी से आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए पहले भारत को देख लीजिए मैप में, ये हमारा प्यारा भारत, एशिया में आप लोग देखेंगे भारत की स्थिति। और अपने पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत में अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस दिन आप देखते हैं कि सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है। आप सभी को मालूम होगा कि 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, और भारत की कोकिला के नाम से भी इन्हें जानते हैं आप लोग। और 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ हो गई थी लखनऊ में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग पूरी दुनिया देख ही रहे, ये आपका एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, और यहाँ देखेंगे आप तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है कि अभी नारी पुरस्कार के लिए, नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। आप में से अगर कोई करना चाहे नामांकन तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इस पुरस्कार को अगर बात करें तो 1999 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि नारी शक्ति पुरस्कार को कब शुरुआत किया गया था, 1999 में किया गया था। और यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च पर भारत के जो राष्ट्रपति साहब होते हैं उनके द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। और नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि होती है, और व्यक्तियों एवं संस्थाओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ में महिला बाल विकास मंत्रालय व्यक्तियों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ और संस्थानों आदि के लिए इन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की घोषणा करता है, और निम्नलिखित पुरस्कारों का वितरण किया जाता है इस दिन। कौन कौन से पुरस्कार हैं इसमें आप देखेंगे, महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास हेतु, ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के लिए, और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान और सम्मान आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक तरह से लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर इन क्षेत्र में कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, तो इन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की अगर देने के उद्देश्य की बात करें, आप सभी जानते हैं कि कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य तो होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना, और यह युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। और यह वर्ष 2020-30 तक सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को प्राप्त करने में मदद करेगा। और जो आपके सतत विकास लक्ष्य है इन्हें आप लोग, मैं कहता हूँ कि एक तरह से याद रख लीजिएगा, जब आप लोग मुख्य परीक्षा हो लीजिए या प्रीलिम्स से देख लीजिए या फिर आप लोग निबंध लिखते हैं तो इन्हें आप लोग वहाँ डाल सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने सतत विकास लक्ष्य 5 सुना होगा, 5 सुना होगा, इसमें लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना, मजबूत करना यानी कि उन्हें अपने अधिकार दिलाना बनाना। ठीक है, अगर इस पुरस्कार की पात्रता की बात करें यानी कि पात्रता क्या होनी चाहिए, तो दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 सालों तक कार्य करने वाले संस्थान आवेदन करने की बात है।
यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों की आयु 25 साल हो चुकी है या फिर आप लोग कोई संस्थान चलाते हैं तो उसमें संबंधित क्षेत्र जो भी हो उसमें 5 सालों तक कार्य करने का एक तरह से अनुभव होना चाहिए, आप लोगों ने इससे 5 साल तक जुड़े हों। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है और सर्वप्रथम 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1977 में इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। किसे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। और पहली बार अगर हम लोग महिला दिवस की बात करें नॉर्मल, तो आप देखेंगे कि 1911 में, कब 1911 में, जर्मनी के क्लारा जेट किंग द्वारा मनाया गया था और प्रथम महिला दिवस की जड़ें मजबूत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। फिर आप देखेंगे 1913 में इसे 8 मार्च को मनाना निश्चित कर दिया गया था जो वर्तमान तक जारी है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और दिसंबर 1977 में महासभा के सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाले महिला अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया गया था, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यह यूनाइटेड नेशंस की यानी कि यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भी बात हो रही है, तो इसके बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी संगठन के बारे में उल्लेख होता है तो याद रखिए आपको न्यूयॉर्क देखने को मिल जाएगा, तो उस संगठन के बारे में जरूर याद रखा गया, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और आप देखिए स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, दो तीन क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि आपके प्रीलिम्स में हर साल आपके संगठनों से क्वेश्चंस आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है,